पुनपुन देश का धरोहर माना जाता है। कहा जाता है कि गया में पिंडदान के पहले पुनपुन में पिंडदान करना जरूरी होता है, जिससे हमारे पूर्वजों के सारे दोष खत्म हो जाते हैं तथा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर पुनपुन की बात की जाए तो आज पुनपुन में देश विदेश से आए सैलानियों का तांता लगता है। वैसे लोग पितृपक्ष में पिंडदान करने पुनपुन पहुँचते हैं। पुनपुन नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो इन दिनों पुनपुन में कई ऐसे कार्य किए गए हैं जो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करते हैं। आज पुनपुन को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखा जा रहा है और इसके सौंदर्यकरण के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। पर अगर पुनपुन वासियों की कोई भी समस्या हो तो उनके लिए एक ही मसीहा खड़ा होता है, जिसका नाम नीरज पटेल है। आइए सीधे तौर पर बात करते हैं पुनपुन के पूर्व जिला पार्षद और वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष के भावी प्रत्याशी नीरज पटेल से, जो बीते कई वर्षों से पुनपुन में जन समस्या को लेकर हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और आज भी पुनपुन के किसी भी जगह पर किसी को भी कोई भी मदद की जरूरत हो तो वह स्वयं खड़े रहते हैं। सर, इन दिनों अगर पुनपुन नगर पंचायत की बात की जाए तो पुनपुन में काफी समस्याएं देखने को मिल रही है। सर, कहा जा रहा है कि शहीद रामानंद सिंह पार्क और शहीद राम गोविंद सिंह पार्क जो था, वो पार्क की स्थिति भी काफी खराब है। वहां की सीढ़ियों में भी काफी दिक्कत आ रही है, काफी कुछ धस गया वहां पे, और कहा जाता है कि मुख्यमंत्री द्वारा किया गया कार्य था और धरोहर है, उस पर क्या काम किया जा रहा है? सर देखिए, ये बात सही है कि हमारे आदरणीय विकास पुरुष नीतीश जी के कर कमलों द्वारा वो बनाया गया था और ये पुनपुन देश में ही नहीं विदेशों में जाना जाता है। और हम लोग कई पदाधिकारी को ही खबर दे दिए हैं कि इस तरह की समस्याएं हैं, तो उसमें जो पर्यटन विभाग के मंत्री हैं उनके द्वारा आश्वासन भी मिली कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा और इसमें कर्पाला प्रबंधता एस्टिमेट बना रहे हैं, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। सर, कहा जाता है कि पुनपुन वासियों की कोई भी समस्या होती है तो नीरज पटेल उनके काम के लिए सामने नजर आते हैं। पिछले 15 दिनों से पुनपुन के जाहिदपुर में पानी का मोटर जल गया है, लोग पानी पीने के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। मोटर के लिए क्या किया जा रहा है सर, पानी का क्या उपाय है वहाँ पे? देखिए, पुनपुन नगर पंचायत की जो जाहिदपुर गांव है, अति पिछड़ा समुदाय से लोग वहाँ आते हैं, महादलित से लोग आते हैं। ये सही बात है कि हमें भी 2-3 दिन पहले जानकारी मिली है कि वहाँ की नल जल की टंकी का मोटर वो जल चुका है। तो मैं वहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग चंदा तहसील रहे हैं, तहसील के 1 लाख रुपया करीबन खर्च है, क्योंकि 1 लाख रुपया तो गरीब आदमी को तहसीलना मुश्किल है। तो मैं वहाँ का प्रखंड विकास पदाधिकारी से मैंने बात किया, उन्होंने बताया कि उस पर काम चल रही है और मैं करपालक अभियंता, नगर पंचायत के करपालक अभियंता को फोन लगा रहा हूँ, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किए हैं। मैं आज उनसे मिलूंगा और मिलकर तत्काल कार्रवाई करने का रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करूंगा, क्योंकि अभी के भीषण गर्मी में नल जल ही सबसे बड़ा समस्या है। अगर इस गर्मी में जल से जल का उपाय करना हम लोग का दायित्व है और जाहिदपुर के वासी ये जान ले, किसी को 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। तत्काल जल्द से जल्द 1 से 2 दिन में वहां बोरिंग होके मोटर लग जाएगी, किसी को चंदा देने की जरूरत नहीं है और मैं तुरंत इस पर एक्शन में हूं कि जल्द से जल्द ठीक। सर, कहा जाता है कि पुनपुन एक धरोहर के रूप में जाना जाता है, पितृपक्ष का वहां मेला लगता है, काफी देश विदेश से श्रद्धालु वहां पे आते हैं, तो सर पुनपुन के सौंदर्यीकरण के लिए क्या काम किया जा रहा है, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार पुनपुन में? देखिए, पुनपुन में तो देश विदेश का धरोहर है पुनपुन, अपने मातृ पिता के पितृपक्ष के लिए सबसे पहले पुनपुन आते हैं, फिर उसके बाद गया पिंडदान करने के लिए जाते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये पुनपुन में एक सबसे यूनिक चीज मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाया जा रहा है, वो लक्ष्मण झूला पुल, जो कि बिहार से बाहर देखने के लिए हम लोग जाते हैं, एक टूरिस्ट पॉइंट बनाया जा रहा है। और मैं जदयू के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने सरकार से मांग रखता हूं कि पुनपुन में देश नहीं विदेश के लोग आया करते हैं, एक यहाँ पे 5-स्टार होटल की व्यवस्था की जाए ताकि विदेशी लोग उसमें आसानी से रह सकें। सरकार के द्वारा वहां पे जमीन भी है, पुनपुन नगर पंचायत क्षेत्र में सरकार की अपनी जमीन है जो कि डकबंगला चौराहा के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पे एक 5-स्टार होटल बनाया जाए जिससे देश में ही नहीं विदेश तक पुनपुन का नाम रोशन हो। ये मैं विकास पुरुष नीतीश कुमार जी से
कार्यकर्ता होने के नाते मैं पुनपुन नगरवासियों के लिए मांग करता हूं, समस्त नगर पंचायत के तमाम ग्रामवासियों से ये मुझे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि उनका जो भी समस्या हो उस समस्या के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं 24 घंटा आपकी सेवा में रहूंगा। मेरा नंबर है, आप नोट कर लें, 99394909096। फिर से एक बार सुन लें, 99394909096। इस पर फोन करें, मैं आपकी हर समस्या में खरा उतरने के लिए तैयार हूं।